वेलकम टू ज्ञानधारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट पार्ट। कल मैंने आपको टीचिंग के स्टार्टिंग के कुछ पार्ट्स और कॉन्सेप्ट समझाए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। सो इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वन इज इंडिपेंडेंट variable, second one is dependent variable, and third one is intervening variables. These are the three variables of teaching: independent, dependent, and intervening. So in teaching learning process, basically there are three identities. First is teacher. Our teacher is independent variable. Why? Because he perform different types of activities to perform learning experience to students. Means independent variable means in Hindi or in easy language आप कह सकते हो जो प्रभाव डालते हैं। तो टीचिंग के प्रोसेस में हम पर प्रभाव कौन डालता है? हमारे टीचर्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्वियसली कौन होगा? स्टूडेंट्स। कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी लर्निंग के लिए टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड क्यों इन्हें डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है? बिकॉज ही हैव टू स्टूडेंट हैव टू वर्क एक्टिवली अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग सिस्टम एंड प्रेजेंटेशंस गिवन बाय टीचर इन द टीचिंग प्रोसेस। सो डिपेंडेंट वेरिएबल जिन पर प्रभाव पड़ता है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब थर्ड वेरिएबल होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में क्या क्या आ जाएगा? इंटरवीनिंग में वो सारी चीजें आएंगी जैसे कंटेंट, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग एड्स, स्ट्रेटजीज। सो जो चीजें हमने यूज करी टीचिंग करने के लिए ऑल दोज वेरिएबल्स आर नोन एज इंटरवीनिंग वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं इन हिंदी मध्यचर। पर इनके बगैर टीचिंग और लर्निंग नहीं हो सकती। सो दे इंटरवाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या क्या? कंटेंट है, मेथड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं। तो दीज आर थ्री वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग एंड द वेरिएबल्स ऑलवेज परफॉर्म सम एक्टिविटीज। सो देर आर फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स एंड बेसिकली देर आर थ्री फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज डायग्नोस्टिक फंक्शंस। सेकेंड वन इज prescriptive functions and third one is evaluation functions। तो फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल का क्या मतलब है? कि जो आपके हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये कुछ काम करते हैं। तो जो स्टूडेंट, टीचर और जो हमारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, इसमें से जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग ही हमारा टीचर जो है वो वर्क करता है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनफैक्ट टीचर का ही सबसे ज्यादा रोल होता है इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज एज वेल एज वो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए अपनी कुछ एक्टिविटीज करता है। सबसे पहले ही विल एनालाइज teaching, he will analyze problem in teaching। मतलब वो students की difficulty को analyze करेगा कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे problems आ रही हैं। Then he will determine the previous knowledge। बच्चे को पहले कितना ज्ञान है, यानी जो हम पूर्व ज्ञान की जो बात करते हैं तो वो determine करते हैं
डायग्नोस करते हैं कि बच्चे को पूर्ण ज्ञान कितना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस की भी बात है, उसको अपनी क्लास में देखना पड़ेगा कि किस टाइप के डिफरेंट बच्चे उनकी उसकी क्लास में है, किसको ज्यादा आवश्यकता है, किसे कम आवश्यकता है। एंड देन उसके बाद कंटेंट एनालिसिस करेगा, जिसमें वो ये समझेगा कि अब हमारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, उन्हें यहाँ यहाँ पे डिफिकल्टीज हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना कंटेंट प्रेजेंट करेगा बच्चे के प्रीवियस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ताकि वो उसे न्यू नॉलेज दे सके। देन सेकेंड इज प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। जब उसने डायग्नोस कर लिया कि हमारा एक क्लासरूम है, हमारे क्लासरूम में ये चीज़ें हैं, तो अब वो उसमें उसका प्रिस्क्रिप्शन देगा। जैसे एक डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है चीज़ों को, देन उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो प्रिस्क्रिप्शन फंक्शंस में क्या आएगा? सिलेक्शन ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज, कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज और स्किल्स और मेथड्स का इस्तेमाल करके अब उन बच्चों को सिखाएंगे। पढ़ाने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज जो टीचर को करनी चाहिए, जो मैं भी करना चाह रही हूँ इस टाइम, फीडबैक। आप लोग अपना फीडबैक मुझे भी जरूर दीजिए। फीडबैक जरूर होना चाहिए, जिससे हमें भी पता चलता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू लर्नर। ये जो लाइंस ऐसे खींच जाती हैं, ये पेन की वजह से होती हैं, तो प्लीज इसको अवॉइड करिएगा। ये एग्जैक्टली मैं वही लिखती हूँ जो उसमें आप देख रहे हो। एंड तो प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शंस में यही आएगा कि जो भी चीजें डायग्नोसिस के बाद उसे लगी, उसी अकॉर्डिंग उसने स्किल्स और स्ट्रेटजीज दी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इवेलुएशन फंक्शन। और इसमें क्या है, इसमें है इवेल्युएशन फंक्शंस में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन नॉन टेस्ट एंड इवेल्युएशन बिहेवियरल चेंज। होल द टीचिंग, जितनी भी हमारी टीचिंग होती है, इसका बेसिक गोल यही होता है, बिहेवियरल चेंज। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ये शब्द आप अक्सर और बार बार देखेंगे, क्योंकि टीचिंग संबंधित है बिहेवियरल चेंज से। अगर हमने आपको कोई चीज सिखाई है, अगर आपने उसको अपने एप्लीकेशन लेवल तक नहीं लेकर आए हैं, तो देन टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। तो आप देखते होंगे, जब भी हम हमारे यहाँ स्कूलों में भी जब भी कुछ पढ़ाते हैं, तो नॉर्म टेस्ट टेस्ट होते हैं उन चीजों के, और सेकेंड बिहेवियरल चेंज इवेल्युएशन होता है थ्रू CCA। तो ये हमारे इवेल्युएशन फंक्शन में आएगा, थ्रू करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, क्लास में टेस्ट के थ्रू, इनके थ्रू बिहेवियरल चेंज को भी नापा जाता है कि जो हमने डायग्नोस की थी जो जो प्रॉब्लम्स, क्या उन प्रॉब्लम्स के प्रिस्क्रिप्शंस के बाद अब फाइनली बच्चे में वो बिहेवियरल चेंज आया कि नहीं आया, या उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट हुई कि नहीं हुई। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। बेसिकली देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ टीचिंग। फर्स्ट इज प्री एक्टिव स्टेज, एज यू ऑल कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग स्टेज। सेकेंड इज इंटरक्टिव फेज एंड थर्ड इज पोस्ट एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव स्टेज में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ प्री एक्टिव स्टेज का एक्चुअल में क्या काम है। प्लानिंग स्टेज है, इसमें टीचर प्लान करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। इंटरैक्टिव स्टेज होता है जहाँ पे क्लास क्लास के अंदर जब टीचर पहुंच जाता है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज क्लास के अंदर करता है, तो मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगी। यहाँ पे देखिए, ये स्टेज होती है बिफोर क्लास, क्लास लेने के पहले। ये होती है इन द क्लास, इंटरैक्टिव फेज, किसकी, टीचर एंड स्टूडेंट। और ये होती है आफ्टर द क्लास। सो एक टीचर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है, तो कि वो अपने अलग अलग स्टेजेस में। हम सबसे पहले बात करेंगे कि टीचिंग स्टेज में, प्री एक्टिव स्टेज में एक टीचर क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम वो करता है फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स। वो कुछ गोल सेट करता है कि आज मुझे क्लास में जाना है और मुझे ये चीजें करानी है।
उसके ये चीजें बच्चों को सिखानी है। उसके बाद ही विल डू सिलेक्शी और शी विल डू सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, जो उसको पढ़ाना है वो अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेगा कि मुझे ये सिखाना है। फिर अरेंजमेंट ऑफ MOT, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज अरेंज करेगा, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड सेलेक्ट करेगा कि उसे पढ़ाने के लिए, अपने कंटेंट को सिखाने के लिए कौन से ऑडियो विजुअल एड्स लगेंगे, उसका वो सिलेक्शन करेगा। और स्टडी द रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट वगैरह सेलेक्ट करने के साथ साथ इट इज इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको स्टार कोट कर रही हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए। हमने अपने गोल तो सेट कर लिए कि हमें ये पढ़ाना है, इस तरह की स्ट्रैटेजीज लगानी है, ये ऑडियो विजुअल एड्स होने चाहिए हमारी क्लास के लिए, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर द स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द कंटेंट और नॉट। तो यहाँ पे टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उसे पता होना चाहिए कि बच्चे पढ़ने में कहाँ पे उन्हें कठिनाई है, हम कहाँ से कंटेंट स्टार्ट करें, और उसके पहले बच्चे को कितना नॉलेज है, और उसके बीच की जो ब्रिजिंग है वो प्री एक्टिव स्टेज में ही टीचर को कर देनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव स्टेज। जब टीचर क्लास में आता है तो सबसे पहला काम जो उसे करना चाहिए दैट इज साइजिंग अप द क्लास। मतलब क्लास में बच्चे अपने हिसाब से बैठते हैं, लेकिन क्योंकि हम टीचर हैं तो हमें ये पता होता है कि कौन से स्टूडेंट को आगे बैठाना है, किसे पीछे बैठाना है, और उसे लोकेट करना चाहिए कि टैलेंटेड स्टूडेंट एक तरफ तो नहीं हो गए, बैकवर्ड सारे पीछे तो नहीं बैठ गए। उसे अपनी क्लास साइज अप करनी चाहिए जिससे कि वो ये देख सके कि हमें किस तरीके की अपनी क्लास सेटअप करनी है जिससे कि सभी बच्चों को इक्वली नॉलेज इम्पार्ट कर सके। सेकेंड इज डायग्नोसिस ऑफ लर्नर। अब यहाँ पे वही जो मैंने कहा ना, रेडीनेस ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी ये काम स्टूडेंट क्लास में, ये टीचर्स क्लास में आकर भी करते हैं। वैसे तो उन्हें हमेशा से पता होता है बच्चों के विषय में, फिर भी तो सबसे पहले वो एक आइडिया लगाते हैं, इसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है, परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड देन रिस्पॉन्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो देखकर ही पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही डायग्नोसिस और रिस्पॉन्स टीचर करता है। नेक्स्ट इज कि नाउ हाउ ही विल अचीव द एक्शन। क्लास में वो कैसे करेगा अपने एक्शंस को अचीव, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई। देखिए हमारी टीचर स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है वो एक होता है SR कनेक्शन, टीचर स्टिमुलाई देता है एंड रिस्पॉन्स कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट। तो ये जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का कनेक्शन, द टीचिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल स्टिमुलाई जो टीचर प्रेजेंट करता है अपने हाव भाव से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ टीचर शुड यूज अ स्टिमुलाई विच प्रोवाइड्स अ मोर इफेक्टिवनेस इन द क्लास। ही शुड क्रिएट डिजायरेबल एक्शंस एंड सर्कमस्टेंसेस सो दैट स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड गो वेल। तो स्टिमुलाई बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई। जब हमें पता चल गया कि हम इस मेथड, इस स्टिमुलस से पढ़ाएंगे, तो उसका प्रेजेंटेशन पे भी हमें बहुत ध्यान देना है कि हमने कैसे उसको प्रेजेंट किया। आपने स्टोरी सुनाकर अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, या फिर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाकर अपनी क्लास स्टार्ट करी, या फिर आपने किसी बच्चे को डांटा, डांटने के बाद आपने वहीं से कुछ एक्शन वर्ड्स स्टार्ट कर दिए, या आपने कुछ जोक्स सुनाया वहां से, चुटकुले से कुछ आप उसको सीरियसनेस पे ले आए, तो प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलाई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द क्लासरूम। एंड थर्ड वन इज फीडबैक प्लस रीइन्फोर्समेंट। तो ऐसा भी नहीं है कि इट शुड बी ऑलवेज अ लेक्चर मेथड, देयर शुड बी प्रॉपर रीइन्फोर्समेंट बाई टाइम टू टाइम, एज वेल एज फीडबैक शुड बी टेकन बाय द टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सो दैट वी कैन जज वट डिजायरेबल
रिस्पॉन्स इज वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव. पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में आप बच्चे को रिवॉर्ड दे सकते हैं या फिर क्लैपिंग करा सकते हो क्लास में. नेगेटिव री इन्फोर्समेंट में आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बच्चे को पनिशमेंट दे सकते हो. और एक मतलब हम पता कर सकते हैं किसी से कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज री इन्फोर्समेंट इन द क्लास सो दैट वी कैन अचीव अवर एक्शन स्टेज. एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज. हमें डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज अपनी क्लास में पढ़ानी चाहिए टू इम्पॉर्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिंग टीचर टीचिंग स्ट्रैटेजीज वन शुड कीप इन माइंड अबाउट द स्टेज एज क्लास एंड मतलब हमें क्लास के अपने बच्चों की नॉलेज के बारे में, उनकी एज के बारे में, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली दैट वी हैव टू सेलेक्ट दैट स्ट्रैटेजी. एंड कभी कभी क्या होता है कि हम प्लान करके कुछ जाते हैं और हम जब क्लास में पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि अच्छा ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे तो आज क्लास में आए ही नहीं, आज मीडियोकर और एवरेज बच्चे ज़्यादा हैं. और हमने अपनी जो प्रिपरेशन की थी जो कि दैट इज़ ऑन द प्री एक्टिव स्टेज, यहाँ पे जो हमने स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की थी वो तो इस हिसाब की करके आए थे. तो देन इन दिस क्लास इन इंटरएक्टिव स्टेज वी विल चेंज अवर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट प्रेजेंट इन अवर क्लास. इफ दे आर ऑफ एवरेज लेवल और बिलो एवरेज लेवल देन वी हैव टू चेंज अवर टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू देम एंड देन वी विल इम्पार्ट द नॉलेज और अवर कंटेंट टू स्टूडेंट्स. नाउ द थर्ड स्टेज इज पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग विच इज रिलेटेड टू इवेल्युएशन. हाउ वी विल इवेल्युएट आफ्टर द टीचिंग हैज फिनिश्ड, अ टीचर विल डिफाइन द रियल फॉर्म ऑफ बिहेवियरल चेंज. इफ ही कंपेयर्स द एक्चुअल चेंज इन स्टूडेंट विद द डिजायर्ड बिहेवियर, इफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अंडरगॉन द डिजायर्ड चेंज, इट मीन्स द टीचिंग हैज बीन सक्सेसफुल एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट. सो जब हमने क्लास में सिखा दिया तो हमने स्टार्टिंग में जो एम्स रखे थे वो यही सबसे ज्यादा तो यही होते हैं ना कि वी हैव टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन द स्टूडेंट. तो अगर हमने मान लीजिए कोई चीज सिखाई बच्चों को, सपोज हमने फॉर एग्जांपल हमने न्यूटन्स लॉ सिखाया और अगर क्लास के 80% बच्चे न्यूटन्स लॉ का एग्जाम्पल दे पाने में सक्षम है तो हम यही कहेंगे कि हाँ हमारी टीचिंग सक्सेसफुल हो गई. नेक्स्ट इवेल्युएशन टेक्निक्स डिवाइसेस. बहुत सारी टेक्निक्स डिवाइसेस स्ट्रैटेजीज होती हैं इवेल्युएट करने की. हम क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, हम टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, लेकिन जो इवेल्युएशन टेक्निक होती हैं इट शुड ऑलवेज बी ऑन द थ्री लेवल्स, दैट इज कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तीनों ही लेवल्स पे ये मैं लेवल ऑफ टीचिंग में आपको पढ़ाऊंगी ये सारे लेवल्स क्या होते हैं. फिलहाल इन तीनों लेवल पे ही इवेल्युएशन टीचर को करना चाहिए, सिंपल एक लेवल पे नहीं करना चाहिए. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज चेंजिंग इन टीचिंग स्ट्रैटेजीज एज पर रिजल्ट और आउटकम. जब आपने डायग्नोस कर लिया, आपने इवेल्युएशन कर लिया, उसमें जो रिजल्ट आया उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास के लिए यू हैव टू चेंज योर टीचिंग स्ट्रैटेजीज एज पर एज द रिजल्ट. इफ द रिजल्ट इज क्वाइट गुड, अराउंड 80% स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट दैट बिहेवियरल चेंज व्हाट यू हैव बीन एम्ड इन द प्री एक्टिव स्टेज, देन योर स्ट्रैटेजी इज गुड. Otherwise, if the result is not that much, you have to change your teaching strategy as per as the result or the outcome is there. Now, next is, what is the relationship between teaching and learning? So, teaching, the chief function of teaching is to bring behavioral change. And how it will change? It will come through learning. So teaching and learning are intertwined with each other. There is a diagram. This is a diagram given by Bernard, Bernard, to
Describe the relation between teaching and learning. So in the center there is learning process. This is learning. This is student and this is teacher. So, लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या है, हमारा स्टूडेंट है और हमारी लर्निंग है और इसके चारों तरफ इन्होंने घेरे में बना रखा है टीचर. तो क्या करता है कि जो टीचर है ही विल गिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गेट लर्निंग. यहाँ पे कह सकते हैं कि आप एक तरह के से ये कह सकते हो कि जो टीचिंग इज अ टास्क वाइल लर्निंग इज अ मेंटल एक्टिविटी. एंड आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि टीचिंग इज अ टास्क while learning is achievement of that task. देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुछ आप लिख सकते हो कि what is the relationship between teaching and learning, but learning means to adjust a situation that is the aim of teaching. तो teaching एक ऐसा task है जिसको करने के बाद what we get as achievement is learning. ये task किया ही इसलिए जाता है ताकि हमारी learning हो सके, हमारे task का achievement ही learning होता है. तो एक external enterprise की बात करें, बाहर का outer force teaching है और teaching हमें किस लिए किस तरफ mold करती है, learning की तरफ मोल्ड करती है. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि टीचिंग और लर्निंग अलग अलग है, इट इज द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. टीचिंग हियर लर्निंग, सेम कॉइन के एक ही पहलू के दो सिक्के हैं. जब टीचिंग होती है तभी लर्निंग की जा सकती है. हाँ ये जरूर है कि लर्निंग अपने आप भी हो सकती है टीचिंग, लेकिन टीचिंग कोई चीज आपको सिखाई जाएगी तो उसका बेसिक एम आपकी लर्निंग ही होगा. तो बिकॉज अ टीचर अरेंज टीचिंग एंड स्टूडेंट पास थ्रू दिस स्टेज इन ऑर्डर टू एक्वायर लर्निंग. पर्पस ऑफ टीचिंग इज ऑलवेज लर्निंग ओरिएंटेड. तो ये दो पॉइंट्स जो है आप रिलेशन ऑफ टीचिंग में जरूर लिखिए कि पर्पस ऑफ टीचिंग इज लर्निंग ओरिएंटेड. दीज टू लाइन्स विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग अलॉन्ग विद द डायग्राम दैट टीचिंग कॉम्प्रोमाइज द स्टूडेंट एंड द लर्निंग प्रोसेस. द लर्निंग प्रोसेस विल हेल्प बोथ द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर. नाउ नेक्स्ट, टीचिंग ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन में बहुत कई बार हमें कंफ्यूजन होता है और आई होप आप लोगों की, मैं जब पढ़ रही थी आई ऑल्सो गेट वेरी कंफ्यूज कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन. तो पहले मैं आपको टीचिंग और ट्रेनिंग का डिफरेंस बता दूँ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बता रही हूँ एंड इससे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे. देखिए टीचिंग जो होती है बेसिकली इसका काम होता है नॉलेज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग का मतलब होता है स्किल देना. ओके स्किल देना. और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, ये जो होता है ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होता है. इसमें सिर्फ निर्देश दिए जाते हैं, इसमें बेसिकली इसमें आउटपुट और इनपुट का काम होता है. यहाँ पे टीचर की प्रेजेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती है.
तो अभी मैं हम एक एक पॉइंट पे डिफरेंस देखेंगे, लेकिन पहले आपको टीचिंग और ट्रेनिंग का अंतर बता दूं और इंस्ट्रक्शन एक साथ ही बता दूंगी। टीचिंग में यहाँ पे देखिए क्या है, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आप समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी को क्या पढ़ा सकते हैं, हम बायोन्सी पढ़ा सकते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा सकते हैं, कोस्ट लाइन सेफ्टी के बारे में बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की नॉलेज देने के बाद भी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक अच्छे स्विमर बन जाएं। आपको वाटर की सारी नॉलेज होगी तब भी आप एक अच्छे स्विमर नहीं बन सकते हैं। इट इज़ बिकॉज नॉलेज का एप्लीकेशन लेवल तो आपने करा नहीं, एंड देयर शुड बी ट्रेनिंग ऑफ पर्टिकुलर स्किल। स्विमिंग आप तब कर पाओगे जब आप उस स्किल की पर्टिकुलर ट्रेनिंग लोगे। नॉलेज और स्किल में यही अंतर होता है, एंड दैट इज वेयर यहाँ पर यही अंतर की वजह से ही लोग नॉलेज तो गेन कर लेते हैं पर उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत हद तक नहीं हो पाता है। तो अगर आपको स्विमिंग कि नॉलेज है, वायंसी पता है, डायनेमिक्स पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपने ट्रेनिंग नहीं ली हो। एंड ट्रेनिंग बेसिकली स्किल और एबिलिटीज के लिए होती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो आपको एक एबिलिटी देती है। होता काम पर्पस सबका यही है, ट्रेनिंग का भी पर्पस यही है, आपका बिहेवियरल चेंज, इंस्ट्रक्शंस देने का भी पर्पस यही है, आपका बिहेवियरल चेंज, और टीचिंग का भी पर्पस यही है, आपका बिहेवियरल चेंज। लेकिन ट्रेनिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों ही एक तरीके की सब कैटेगरीज होते हैं, और टीचिंग की सब कैटेगरीज होते हैं, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो इंस्ट्रक्शन का मोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन को टीचिंग तो बिल्कुल नहीं कह सकते, इंस्ट्रक्शन इज नॉट टीचिंग। पहली चीज। दूसरा, ये कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होती है, इसमें बेस टीचर की जरूरत ही नहीं होती है, कोई इंटरेक्शन भी नहीं होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इंस्ट्रक्शन देने के टाइम पर केवल एक ही बात को ध्यान में बेसिकली रखा जाता है कि कम्युनिकेट द नॉलेज। आप एक लाइन में समझिए, कम्युनिकेट द नॉलेज। टीचिंग में आपको नॉलेज देनी होती है, जो नॉलेज कम्युनिकेशन, जिस चीज को एज इट इज कम्युनिकेट कर दिया जाए, वो उस चीज को हम इंस्ट्रक्शन कह देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ किसी भी चीज के बारे में, तो आई एम नॉट टीचिंग यू। मुझे जो चीज पता है मैंने उसके बारे में आपको बताया, लेकिन उसकी डिटेल्स मैंने आपको नहीं बताई। जो इंस्ट्रक्शंस वर्ड टू वर्ड होते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन। अब हाँ, यहाँ से एक पॉइंट और अच्छा है, जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट होगी। अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ाऊंगी तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी, लेकिन वर्ड टू वर्ड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इसीलिए टीचिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होती है। इसका बेसिकली एक काम होता है इंस्ट्रक्शंस का, इंस्ट्रक्शन आर गिवन ओनली टू कन्वे नॉलेज, बस इसका यही काम होता है। तो आई होप आपको टीचिंग ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस समझ में आ गया होगा। टीचिंग के ही ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस सब पार्ट्स हैं। आप जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी बच्चों को ट्रेन करते हैं, स्किल्स भी सिखाते हैं, और कभी कभी सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट कर लो, और बच्चे खुद अपना काम करते हैं। तो दोनों ही एक सब पार्ट होते हैं टीचिंग का, बट पर्पस इन सब का वही होता है, टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन द स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो एज आई सेड, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, देन प्लीज प्रोवाइड मी फीडबैक। प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये कैसा लगा, और इसमें आप और क्या चीज ऐड करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मेथड्स और टेक्निक्स बताएंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो कि प्रयोग की जाती हैं। टिल देन कीप राइटिंग योर नोट्स एंड थैंक्स फॉर
Thank you for watching Gyanadhara. Please like, share, and subscribe.